देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी मची हुई है। भारतीय राजनीतिक पार्टियों से लेकर कला क्षेत्र में भी इसका गाढ़ा असर दिख रहा है। बीते कुछ समय से लगातार बॉलीवुड से कई खबरें आ रही हैं जो लोकसभा चुनाव से सीधे तौर से जुड़ी हुई हैं। कई बॉलीवुड अभिनेताओं और अभिनेत्रियों ने अपनी अपनी पसंद की राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो वहीं कुछ सेलिब्रिटी सीधे तौर पर अपनी पसंद के कैंडिडेट को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अब ताजा मामले में 900 से ज्यादा कला और साहित्य के कलाकारों ने बीजेपी को वोट देने की अपील की है। इसके लिए उन्होंने एक लेटर जारी करके पीएम नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को बताते हुए उन्होंने चुनाव में जिताने की अपील की है। इसमें कुल 907 कलाकारों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने इस पर अपना समर्थन जताया है, जिसमें पंडित जसराज, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान, मालिनी अवस्थी, विवेक ओबेराय, कोयना मित्रा, अनुराधा पौडवाल जैसे नाम शामिल हैं। इन्होंने लेटर जारी किया है, तो आइए अब आपको बताते हैं कि क्या लिखा है इस लेटर में। आपको बता दें कि कला और साहित्य से जुड़े हम सभी देश के सभी नागरिकों से ये हार्दिक आह्वान करते हैं कि वो किसी पूर्वाग्रह और दबाव से मुक्त रहते हुए अपनी नई सरकार को चुनने के लिए मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। हमारी धारणा है कि पिछले 5 सालों में देश ने एक ऐसी सरकार देखी है जिसने भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन और विकासोन्मुख प्रशासन दिया है। उसी दौरान विश्व में भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। हमारा ये दृढ़ विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार सत्ता में बनी रहे, ये समय का तकाजा भी है। साथ ही जब देश के सम्मुख आतंकवाद जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, तब हमें एक मजबूत सरकार की जरूरत है, न कि मजबूर सरकार की। ऐसे में इस सरकार का बने रहना और भी जरूरी बन जाता है। आपको बता दें कि बीते कुछ समय कलाकारों के एक समूह ने देश भर में करीब 600 से ज़्यादा थिएटर कलाकारों ने आम चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट को वोट ना करने की अपील की थी। उसी के बारे में अब उन्होंने हस्ताक्षर अभियान चलाते हुए इस पर सपोर्ट करने की अपील की है, और 900 से ज़्यादा कलाकार मिल करके उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि इस बार मोदी को वोट करें और नरेंद्र मोदी को जिताएं। SPN 9 न्यूज़ रूम से विनित राय की रिपोर्ट।